तेरे भाई ने मेरे होते हुए सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कैसे कर दी? अब तू देख कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। क्या मैं यहाँ पे शादी करके सिर्फ इसीलिए आई थी कि जिंदगी भर इस मंदबुद्धि की सेवा करती रहूं? एक तो तेरा भाई जो चार चार पांच पांच दिन बाहर पड़ा रहता है और मैं यहाँ सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। एक इसकी सेवा करो, ऊपर से घर का सारा काम करो और ऊपर से उसको बीवी की तो बिल्कुल चिंता है नहीं। जब भी फोन करता है सिर्फ यही पूछता है कि मेरा भाई कैसा है। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। चुप रह वरना तुझे पता है कि तेरा क्या हाल होगा। समझ गया? हेलो हेलो। हाँ सपना, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और छोटा कैसा है? वो भी ठीक है। बात करवाओगी जरा उससे मेरी? बस अभी दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। क्या कहीं बाहर गया हुआ है? हाँ जी, दोस्तों के साथ खेलने गया है। वैसे उसकी तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। चलो ठीक है, उसका ना अच्छे से ख्याल रखा करो, बेचारा नादान है वो अभी। ठीक है, ओके बाय। देख अब भी अगर उसने फोन किया तो सिर्फ तेरे बारे में पूछा कि मेरा भाई कैसा है। मेरी तो उसे बिल्कुल भी फिक्र है नहीं। सपना, ये क्या कर रही हो तुम मेरे भाई के साथ? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो बस इसे दवाई खिला रही थी। चुप करो तुम, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना मुझसे, तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। बट तुमने मेरे भाई के साथ ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया। पर तुम तो दो दिन बाद आने वाले थे ना, तो तुम एकदम से यहाँ कैसे? अगर उस दिन फोन पे मैंने सब कुछ अपने कानों से नहीं सुना होता तो तुम्हारी ये हकीकत मेरे सामने नहीं आती। हरामखोर, फोन इधर दे। मैं तुझे कहा था ना कि कमरा साफ करना है। तेरे को नहीं आती एक बात? कान खोल कर सुन ले, जब तक मैं दोबारा आऊंगी ये पूरा कमरा साफ हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। समझा? गलतफहमी हुई होगी मेरी बात। गलतफहमी नहीं, मैं सब कुछ अपनी आंखें से देख चुका हूँ। निकल जाओ यहाँ से। अमन, चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा।